इंग्लिश लैंग्वेज फॉर एवरेज रीडर्स। क्या इस्लाम सिर्फ बेवकूफ लोग मानते हैं? अगर आप आज किसी पढ़े लिखे जहीन इंसान को पूछेंगे कि ईरान और तुर्की के दरमियान कोई तीसरा मुल्क है या नहीं, मैं उसी फीसद यकीन के साथ कहता हूँ कि उस शख्स को पता नहीं होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में AD 571 AD 632 फलस्तीन में ईरानी मजूसी और मगरबी ईसाइयों का दबदबा था। यहूदी लोग वहाँ बहुत कम और बहुत कमजोर थे। उन यहूदियों में इतनी हिम्मत ना थी कि अपना मंदिर, जो हजरत सुलेमान अलैहि सलाम ने 1000 BC में बनाया था, फिर बाबल के बादशाह नबूकदनेस्सर ने 586 BC में गिराया था, फिर यहूदियों ने 515 BC में फिर से बनाया, मगर रूमी शहंशाह टाइप्स ने 70 AD में फिर से गिराया। यहूदियों का वो काबा आज तक गिरा हुआ है, फिर से तामीर करें। अब आज 21वीं सदी में यहूदी फलस्तीन में बसने वाले मुसलमानों और सच्चे ईसाइयों का कत्लेआम कर रहे हैं और उनको वहां से पूरी तरह निकालना चाहते हैं। ये वो इसलिए कर रहे हैं ताकि अपने मंदिर, हाइकल या अपने कबे को तीसरी दफा तामीर कर सकेंगे। इस काम के लिए उनको बाकी चीजों के अलावा एक लाल गाय की भी जरूरत है। अगर यहूदी आज दुनिया में लगभग 1 करोड़ है और मुसलमानों की तादाद लगभग 200 करोड़ है, फिर भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई के मुताबिक ये यहूदी अपना मंदिर तीसरी मर्तबा तामीर करने में कामयाब हो जाएंगे। दुनिया की कोई ताकत इनको नहीं रोक सकती है। अगर कोई ताकत इनको रोकने में कामयाब हुई तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई नूज बालला झूठी साबित होगी। ये यहूदी अपना मंदिर तामीर जरूर करेंगे, मस्जिद इफ्सी जरूर शहीद की जाएगी, दज्जाल जरूर आएगा और फिर दज्जाल को मारने के लिए हजरत ईसा भी जरूर आएंगे। यही पेशन गोई से साबित है, यही एक पुख्ता मुसलमान का ईमान भी है। मुसलमानों का पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने किसी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल नहीं की है, ना इन्होंने बजाहिर कभी फलस्तीन का सफर किया है। इन्होंने अपनी सारी जिंदगी में भीड़ बकरियां पाली थी और चंद साल तिजारत की थी। अगर ऐसा शख्स पेशन गोई करता है कि सैकड़ों या हजारों साल बाद फलस्तीन में ये कमजोर यहूदी, वक्त के ताकतवर तरीन सिपर पावरस ईरानी मजूसी और रूमी नहीं बल्कि वक्त के कमजोर तरीन लोग यहूदी बहुत ज्यादा ताकतवर होंगे और काना दज्जाल का साथ देंगे और मुसलमानों की सख्त तरीन लड़ाई इन्हीं यहूदियों के साथ फलस्तीन में लड़ी जाएगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी रहमतुल्लाह अलैहि मुसलमानों की तरफ से और दज्जाल यहूदियों की तरफ से लड़ेंगे। लद की जगह जहां आज इसराइल का एक एयरपोर्ट है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे। अगर ये सब बातें 1500 साल बाद पूरी हो रही है, क्या फिर इस सच्ची पेशन गोई से बड़ा कोई और मोजिजा हो सकता है? क्या हमें इस शख्स यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रहनुमा और लीडर नहीं मानना चाहिए? क्या हम में से कोई जहीन इंसान इस काबिल है कि वो आज ही सच्ची पेशन गोई करेगा कि 1000 साल बाद क्या होगा और कहाँ होगा? अगर दौलत ने आपकी अकल और सोच को अंधा नहीं किया होगा तो आप इस शख्स और इसके दीन और इसकी पेशन गोई पर मजीद तहकीकात जरूर करेंगे। उम्मीद है कि आप गुरूर और तकब्बुर छोड़कर एक पुरसुकून और हकीकी खुशी वाली जिंदगी मुस्तकबिल करीब में पाएंगे। नोट, मैंने इस्लाम के अलावा ईसाइत, यहूदियत और हिंदुत्व का भी काफी हद तक मुताला किया है, लेकिन मेरे मंतकी जहन को अगर किसी हद तक किसी मजहब या दीन ने मुतासिर किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है। इस्लाम एक इंसान को जूते पहनने से लेकर शादी के दिन सेहरा पहनने तक, पानी पीने से लेकर बीत अल अखला में बैठने तक और कैचिंग से लेकर पार्लियामेंट तक मुकम्मल रहनुमाई करता है। ये एक ऐसा पैगाम है जिसमें भीड़ बकरियां पालने वाले उन पर इंसान और दुनिया की मशहूर तरीन यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले प्रोफेसर दोनों के लिए बराबर कशिश है। अलबत्ता आप लोगों से एक दरखास्त है कि आप मुसलमानों को मत देखो और आप इस्लाम सोशल मीडिया से मत सीखो। अगर आप सच में इस्लाम सीखना चाहते हो तो कुरान और अहादीस पढ़ो। आज के जमाने में इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन मुसलमान खुद है, लिहाजा इस्लाम किताबों से, कुरान और अहादीस से सीखो।